इस वक्त जो मेरे पास पीसीबी है बहुत सारे ब्रांड्स के डीसी इन्वर्टर्स में ये लगा हुआ आता है और इस वक्त जो है इसमें प्रॉब्लम भी आ रही है। इसकी लाइट नंबर 3 है वो ऑन हो रही है और ये देखें इसकी जो एलईडी 1, 2, 3 तीनों जल गई हैं। लेकिन कुछ देर हम इसका वेट करेंगे और वेट करने के बाद जो है वो इसको या तो फिर कम्युनिकेशन एरर देना चाहिए और या फिर इसमें जो फॉल्ट है वो इसमें आना चाहिए। तो अगर कम्युनिकेशन एरर देगा तो फिर इसको इंडोर के बगैर हम अगला फॉल्ट है वो हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट वो फॉल्ट दे रहा है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये फॉल्ट है वो क्या है। तो जब एलईडी 3 जो है वो इस पीसीबी में ऑन हो जाए और डायरेक्टली यानी कि ये फॉल्ट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये F7 का फॉल्ट है। अब मेरे पास इस वक्त सिचुएशन ये है कि मेरे पास ये सिर्फ आउटडोर यूनिट मौजूद है, इसमें इंडोर मैंने अटैच नहीं किया है। तो बाज़ दफ़ा ये सिर्फ E5 का एरर देगा और F7 का एरर तब देगा जब ये इंडोर के साथ अटैच होगा और ये फंक्शन करना चाहेगा तो फिर ये F7 का एरर देगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये परमानेंट फॉल्ट होता है तो इस वजह से ये डायरेक्टली आ जाता है सिस्टम में और इसे फिर हमें जल्दी पता चल जाता है कि ये पीसीबी F7 का एरर दे रहा है। अब यहाँ पर ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये फॉल्ट क्या है। तो F7 जो है वो जो कंपनी बताती है वो कहती है कि ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज का क्या मतलब है? ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रिक आ रही होती है बाज़ दफ़ा वोल्टेज जो है वो अप एंड डाउन हो रहते हैं। कंपनी ने ये सिस्टम में प्रोटेक्शन रखी हुई है कि अगर वोल्टेज ओवर आ जाते हैं 2-3 जगहों पर इसकी प्रोटेक्शन मौजूद होती है। ओवर आते हैं तो सबसे पहले ZNRs जो हैं वो ब्लास्ट कर जाएंगी। अगर ZNR किसी वजह से ब्लास्ट नहीं करती हैं तो आगे फिर पूरा एक सर्किट बनाया हुआ है जिसने डिटेक्ट करना होता है इस वक्त इसमें इलेक्ट्रिक जो है वो ज़्यादा आ रही है कि कम आ रही है। तो इसके लिए DC इलेक्ट्रिक है, जब AC से कन्वर्ट होके जाती है तो उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है ताकि सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम करता रहे, और इसी तरह से AC वोल्टेज होता है उसको भी कंट्रोल में किया गया है ताकि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको ये पता रहे कि इस वक्त जो PCB है इसमें तमाम वोल्टेजेस जो हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं। अब इस PCB को मैं बंद कर देता हूँ। ये वाला जो इस वक्त मेरे पास PCB है इसमें, और इससे पहले भी मैंने एक PCB पे वीडियो बनाई थी, तो ये है वो PCB जिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और इसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ ये बात बताई हुई है। अब ये दोनों जो PCB हैं एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट है, तो वो मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो फॉल्ट है वो किस वजह से आ रहा है। ये PCB जो है सिर्फ और सिर्फ AC मोटर को सपोर्ट करता है, इसके अलावा इसमें DC मोटर का फंक्शन मौजूद नहीं होता है। इस वजह से इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस वाले PCB से। अब ये जो PCB है इसमें देखें यहाँ पर ये हीट सिंक नज़र आ रही होगी आपको, यहाँ पर IPM लगा हुआ है जो कि DC मोटर को ऑपरेट करने के लिए होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो PCB है इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और चेंज होने की वजह से बाज़ दफ़ा फिर बंदे को समझ नहीं आती है कि अब इसमें यानी कि F7 तो आ गया है लेकिन ये तो PCB डिफरेंट है उससे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले इस पर भी मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि अगर किसी को मुश्किल आ रही है इसमें तो उसके लिए आसानी पैदा हो जाए। अब सबसे पहले जो है वो हम इनके कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज कर लेंगे, तो ये मैंने इनको डिस्चार्ज कर दिया है। अब मैंने इसे जो पहले वीडियो बनाई है तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, उसमें मैंने काफ़ी तफसील के साथ ये एरर के बारे में बताया है और उसका जो फॉल्ट है उसको भी मैंने ट्रेस करके तो उसको हल किया हुआ है। अब ये जो DC मोटर वाला PCB है इसमें डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस PCB के जो AC वोल्टेजेस होते हैं उनको चेक करने के लिए ये एक सर्किट बना हुआ है, तो ये देखें ये 3 रजिस्टर्स यहाँ पर लगी हुई हैं, R70, R72 और इसके अलावा R73। ये देखें ये लगी हुई है और इसी तरह से इसके साथ लगी हुई है R69, 71 और 74। तो ये तीनों जो हैं वो आपस में सीरीज में लगी हुई हैं, ये ऊपर वाली 73, 72 और 70। इसी तरह से R69 और 71 और 74 आपस में सीरीज में अटैच हैं। अब इनकी वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त ये एक रजिस्टेंस जो है वो 4703 400, मतलब ये कि ये 470 किलो ओम्स की एक रेजिस्टेंस है और तीन जो है वो रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई हैं। इसके बाद ये देखें यहाँ से होती हुई तो यहाँ पे आ रही है और ये कैपेसिटर्स पे आ रही है, और कैपेसिटर्स के साथ देखें यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, तो इनकी वैल्यू देख लेते हैं। ये क्या है जी, थोड़ा सा 1 किलो ओम्स की एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। इसके बाद आगे जो है वो ये कैपेसिटर है और फिर ये दो डायोड जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं, और यहाँ से फिर जो है वो आगे सिस्टम में ये आ जाते हैं वोल्टेज इस वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC में, और यहाँ से जो इसकी 7 पिन है ये आउटपुट देती है माइक्रो कंट्रोलर को, जिससे कि माइक्रो कंट्रोलर को फिर पता चल रहा होता है कि ये जो AC वोल्टेजेस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एक और वीडियो मैंने जो है वो उसमें बताया हुआ है कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाद जो आगे सर्किट होता है वो कैसे होता है। अब ये तो सर्किट हो गया AC का, इसके बाद जो DC होता है
वो मैं आपको दूसरे एक पीसीबी में जो समझा देता हूँ, क्योंकि वो खुला हुआ है, उसमें आसानी होगी बात को समझने में। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, और इसकी जो पॉजिटिव साइड है, ये जब डीसी में कन्वर्ट होती है तो ये पॉजिटिव साइड है इसकी, और ये वाली साइड जो है वो इसकी नेगेटिव साइड है। तो ये देखिए आपस में अटैच है, और इसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि शंट रेजिस्टेंस कहलाती है, और यहाँ से ये देखिए दो पॉइंट जो है वो निकल रहे हैं, एक पहले ब्रिज रेक्टिफायर से जो कि डायरेक्ट आ रहा है, और दूसरी जो वायर जा रही है ये देखें शंट रेजिस्टेंस के बाद, जब शंट रेजिस्टेंस से वोल्टेज जो है वो गुजर के तो इस तरफ क्रॉस कर जाएंगे, तो उसके बाद फिर दोबारा से उसको मेजर करने के लिए ये देखें दो वायर्स आ रही हैं। अभी ये जो है ये मेजर करती हैं कि डीसी वोल्टेजेस जो हैं वो हमारे प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो सिर्फ ये नेगेटिव वोल्टेज को जो है वो चेक करने के लिए दोनों जो है वो लाइंस बनी हुई हैं। और ये आगे चल के ये देखें यहाँ से घूम के तो यहाँ पे आ गई, और यहाँ से फिर ये आ जाती हैं इन रेजिस्टेंस में। ये देखें ये दो रेजिस्टेंस हैं, तो ये भी 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 76 और 75। इस तरह से यहीं से फिर एक जो साइड है जो कि आईजीबीटी के मीटर के साथ लगी होती है, तो यहां से घूम के तो यहां पे जो आईसी लगा होता है IC1, तो इसके में 7 नंबर पिन से इसका आउटपुट हमें मिलता है। इस तरह से ये जो वोल्टेज होते हैं इनका जो आउटपुट होता है वो हमें इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पिन नंबर 1 से हमें मिल रहा होता है, जिससे माइक्रो कंट्रोलर को पता चल रहा होता है कि जो डीसी नेगेटिव पॉइंट है वो बिल्कुल ओके जा रहा है और उसमें कोई मसला मौजूद नहीं है। इसी तरह से जो पॉजिटिव पॉइंट होता है उसको भी टेस्ट करके और जो उसकी मेजरमेंट्स हैं वो माइक्रो कंट्रोलर तक पहुँचाई जाती हैं, लेकिन उसके लिए इस पीसीबी में और जो डीसी मोटर वाला पीसीबी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी तरह से जो पॉजिटिव पॉइंट होता है तो उसको भी मेजर करने के लिए यहाँ से इसका स्टार्टअप आता है। तो मैंने उस वीडियो में भी ये दिखाया था कि ये जो है वो मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है वो देखें यहाँ पर घूम के मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें जी, ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, तो कैपेसिटर लगा होता है तो इसकी ये कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड है, तो मैं आपको घुमा के तो दूसरी साइड से भी मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखें जब घूमा तो ये देखें ये साइड पे कैपेसिटर जो है वो पॉजिटिव लगा होता है। अब इस साइड पे ये देखें रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये 91 किलो ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये तमाम आपस में सीरीज में जुड़ी हुई हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लग के तो फिर ये आगे सिस्टम में जा रही हैं। तो ये जो है वो मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये घूम के तो यहाँ पर ये देखें इस पॉइंट पे आ जाती हैं। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और फिर ये रेजिस्टेंस नंबर 45 ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है, और फिर आगे घूम के तो ये आ जाता है जी इसके नीचे से, इस रेजिस्टेंस के नीचे से गुजर के इस रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस 46 के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर ये आगे घूम के तो फिर ये जो है आगे माइक्रो कंट्रोलर में चला जाता है। तो इस तरह से इसका जो फंक्शन है वो कंप्लीट होता है। लेकिन ये जो डीसी मोटोरोला पीसीबी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस इसमें क्या है कि चूंकि यहाँ पर डीसी मोटर का जो आईपीएम है वो आ गया है, तो इसलिए फंक्शन जो है वो बिल्कुल सादा सिंपल कर दिया है। अब कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हम चेक करेंगे मल्टीमीटर के साथ। मल्टीमीटर को जो है वो हम कंटिन्यूटी मोड पे ले जाते हैं, और कंटिन्यूटी मोड पे जो है वो पहले चेक कर लेंगे हमारा मीटर काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 52 रेजिस्टेंस जो है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये 560 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, बल्कि हम इसको ओम्स पे ले जाएंगे ताकि हम इसकी वैल्यू को चेक कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ, तो ये देखें इस वक्त 10 मेगा ओम्स यानी कि 9.9 कुछ इस तरह से मेगा ओम्स की वैल्यू जो है वो शो कर रही है। जैसा कि आपने पिछले पीसीबी में देखा कि वहाँ पर भी 6 जो थी वो 91 किलो ओम्स की लगी हुई थी, और 3 जो है वो 10 किलो ओम्स की लगी हुई थी, तकरीबन सेम वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस जो है वो सिस्टम में लगा दी गई है ताकि बस काम ही ख़त्म हो जाए, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद ये जो है वो आगे पॉइंट जा रहा है, देखें रेजिस्टेंस के साथ मैंने यहाँ पर लगाया। हाँ, इसको मैं कंटिन्यूटी मोड पर ले जाता हूँ तो फिर मुझे आवाज़ आएगी, अदरवाइज़ तो आवाज़ नहीं आएगी। यही है, देखें यहाँ पे ये कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट ओके है, इसके साथ आवाज़ कर रहा है। अब हम जो है वो इसी जगह से इस रेड प्रोब को लगा लेते हैं, और फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको कि ये कहाँ पे जा रहा है जी, और 45 के ये पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर ये हमारा सिस्टम बिल्कुल ओके शो हो रहा है। अब इसको जो है वो मैं आगे कन्फर्म कर लूँगा, इसके साथ ही है ओके है। फिर जो है वो इधर देखें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नंबर 46 है यहाँ पे, बिल्कुल जी यहाँ तक आ रहा है, और इसके बाद जो है वो फिर आगे जारी बात है ये माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जा रहा है।
तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो ये भी देख लें तो आपको आगे पता चल जाएगा ये कैसे फंक्शन करता है। तो इससे पहले जो हमने रजिस्ट्रेशन चेक किया है उसकी वैल्यू हमें नज़र आ रही है 9 से 10 मेगा ओम्स के दरमियान। तो क्या ये वैल्यू गलत है इसकी? तो बिल्कुल जनाब, ये इसकी वैल्यू गलत है, क्योंकि इसकी सही वैल्यू जो है वो 560 किलो ओम्स है। तो ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा जब रेजिस्टेंस कुछ कैपेसिटर्स और डायोड के साथ लगी होती हैं तो अक्सर ये ऐसा हो जाता है कि ये वैल्यू अपनी चेंज कर जाती हैं, और जिसकी वजह से फिर जो मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो वो हमें गलत शो होगी। इसके लिए सही तरीका ये होगा कि इसको हम सिस्टम से आउट करें, आउट करके तो फिर इसको चेक करेंगे तो इसकी प्रॉपर वैल्यू शो होगी। लेकिन इस वक्त इस पोजिशन पर ये बिल्कुल ओके है। अब अगर फॉल्ट आता है जो एसी इलेक्ट्रिक के प्रोटेक्शन सर्किट, अगर उसमें फॉल्ट आता है तो फिर भी F7 का ही एरर आएगा। इसी तरह से जो डीसी साइड है इसमें अगर पॉजिटिव साइड है उसमें खासतौर पे अगर फ़र्क आता है तो फिर भी F7 का एरर आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइड है तो उस पर F7 का एरर नहीं आएगा, वो F1 का एरर होता है। अब जो पॉजिटिव साइड है उसका जो सर्किट है वो बहुत सिंपल यहाँ पर कर दिया गया है। अब ये जो रेजिस्टेंस 45 है तो ये 5.1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 4.66 किलो ओम्स की इस वक्त वैल्यू शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ओके है। अब जो बारी आती है वो आ जाती है जी रेजिस्टेंस नंबर 46 की, तो 46 को हम चेक कर लेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर 17.18 मेगा ओम्स जो है वो इस वक्त वैल्यू शो हो रही है, जबकि ये रेजिस्टेंस जो है वो 2 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो अपनी वैल्यू से बहुत हाई हो रही होगी हुई है इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये ख़राब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर यही फॉल्ट नहीं है, एक और फॉल्ट यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जो एसी वोल्टेज है उनको भी मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नंबर 87, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो इस वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर से जो है वो इसका आउटपुट लेके तो यहीं से गुजरता है इसी रेजिस्टेंस के 87 के थ्रू। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इसकी वैल्यू क्या है। इस वक्त ये भी 1 मेगा ओम्स की जो है इस वक्त वैल्यू जो है वो शो कर रही है, जबकि ये जो है रेजिस्टेंस 500 ओम्स की रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से आउट कर देता हूँ। उसको भी यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज को जो है वो हम चेक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज आया है कि नहीं आया। तो ये 500 ओम्स की वैल्यू थी, तो ये आप देखें 500 किलो यानी कि 0.51 ओम्स जो है वो इसकी वैल्यू है। इसी तरह से दूसरी की भी चेक कर लेते हैं, तो ये 2 किलो ओम्स की ये इस वक्त वैल्यू जो है वो शो हो रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक हो चुका है। लेकिन अभी भी इसकी टेस्टिंग जो है वो बाकी है, क्योंकि टेस्टिंग के बगैर जो है वो हमें कन्फर्म नहीं होगा कि ओके है कि नहीं ओके। अब सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो होगा इसको इलेक्ट्रिक दे के, तो मैं इलेक्ट्रिक को ऑन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक मैंने ऑन की और ये देखें इसकी तीनों लाइट जली, और ये देखें जी साथ ही जो है इसने 2 लाइट्स जो है वो ऑन और ऑफ होना शुरू हो गई हैं। अब ये जो है वो डिफरेंट एरर जो है इसमें आ रहा है। अब इसके लिए मैं चेक करूंगा और मुझे लग रहा है कि ये F1 का एरर यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो ग्राउंड में यहाँ से ले लेता हूँ इस IC से, वोल्टेज रेगुलेटर से, और इसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर चेक कर लेते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसको हम DC वोल्टेज पर ले जाएंगे, तो वोल्टेज मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये 2.79 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं रेजिस्टेंस नंबर 46 से। इसी तरह से हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस नंबर 87 से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 2.50 वोल्ट ही आ रहे हैं। मतलब कि अगर हम इसकी जो ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसकी यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2.506 ही आ रहा है, जो कि बिल्कुल ओके है। फिर जो है वो हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस नंबर 84 पे इसको चेक करते हैं, 2.725 वोल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी ठीक है बिल्कुल जी। मतलब कि ये वाला जो IC नंबर 4 है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके वोल्टेजेस बिल्कुल ओके आ रहे हैं। अब हम चेक कर लेंगे इस IC1 के वोल्टेजेस, तो यहाँ पर ये देखें इसकी पिन नंबर 1 का आउटपुट यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है जी, 2.474 आ रहा है, यहाँ पर भी ये वोल्टेज भी ठीक है। इसके बाद इसी IC के ये ऊपर वाली पिन जो है यहाँ पर ये देखें ये 7 नंबर पिन है, तो यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं,
तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट आने चाहिए थे, तो 5 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो ओके है जी। तो यहाँ पर जी किस चीज़ के वोल्टेज नहीं आ रहे वो चेक कर लेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं वो दोनों बिल्कुल ओके वोल्टेज जो है वो सेंड कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर की तरफ, लेकिन फिर भी F1 का जो एरर है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इसकी LED 1 और 2 जो है वो मुसलसल ब्लिंक करती हैं और उसके बाद जो है वो ये कम्युनिकेशन का एरर दे रहा है। अब इसके लिए हम दोबारा से PCB के पॉइंट्स को हम चेक करेंगे और विदाउट इलेक्ट्रिक चेक करेंगे और इसको ओम्स पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉल्ट चूँकि ढूंढ चुका हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको दिखा दूंगा, लेकिन एक्चुअल फॉल्ट बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉल्ट किस वजह से आ रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये IC4 जो है इसका आउटपुट 1 नंबर पिन से माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जा रहा होता है और ये जो इसके साथ ये रेजिस्टर 84 है ये 7.5 किलो ओम्स की लगी हुई है और अगर यहाँ से इस पॉइंट को देखा जाए तो ये देखें 1 नंबर पिन यहाँ पर आके जुड़ती है और यहाँ से ये देखें ये प्रिंट यहाँ पर आ गया है। और इस प्रिंट को अगर फॉलो किया जाए तो मैं आपको कंटिन्यूटी मोड पर दिखा देता हूँ, ये देखें ये कंटिन्यूटी मोड पर है इस वक्त मेरा मीटर, तो इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 510 ओम्स की और यहाँ से ये देखें प्रिंट जो है वो इस तरफ आ रहा है और फिर डायरेक्टली जो है वो आउटपुट जो है वो इस माइक्रो कंट्रोलर में जा रहा है। इसमें जो लगी हुई रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस 60, इसको हम चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जब मैंने इसके क्रॉस सेक्शंस पे लगाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मेगा ओम्स जो है वो इस वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमें शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाली रेजिस्टेंस भी इसमें ख़राब हो चुकी है। तो इस रेजिस्टेंस को भी हम आउट कर देंगे, यहाँ से सिस्टम से आउट कर देते हैं। देखें दिखने में बिल्कुल ओके लग रही है, न्यू लग रही है, कोई भी ऐसा इशू इसमें हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बहुत हाई हो चुकी है, इसको भी निकाल दिया मैंने। अब इसके लिए जो नई रेजिस्टेंस है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं ताकि जो सोल्डरिंग है वो थोड़ी नरम हो जाए। अब इसके ऊपर ये इसको लगा देते हैं सफाई के साथ, चले जी ये हो गई। अब इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अब इस PCB को मैं दोबारा से इलेक्ट्रिक देता हूँ और यहाँ पर ये बात जरूरी है कि ये जो लाइट ब्लिंक्स हैं ये हमें फौरन ही बता देंगी कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब देखें सिस्टम बिल्कुल ओके हो चुका है, इसकी जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल ऑफ हो चुकी हैं। ये अब थोड़ी देर के बाद जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन का एरर देगा, इसके अलावा इसमें अब कोई भी एरर जो है वो मौजूद नहीं है। अब ये देखिए काफ़ी देर हो गई है इसमें, अभी तक इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया और ना ही कोई लाइट ब्लिंक्स आई हैं, तो इसलिए हमें मज़ीद इसमें टेस्टिंग करने की इतनी ख़ास ज़रूरत मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सिस्टम जो है हमें नज़र आ रहा है कि वो ओके हो चुका है। अब ये देखें इसने जो LED 1 है इसको ब्लिंक करना शुरू कर दिया और ये इसका मतलब है कि दो जब स्टेबल हों और एक LED 1 जो है वो ब्लिंक करे तो ये एक सीरियल कम्युनिकेशन का एरर है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करें।